कोई भाई अपनी बहन को चंद्रयान तोहफे में देता नहीं है, तो उनसे बात करते हैं, इनको कैसा लग रहा है। तो आपके इडली में ऐसा क्या खास था जो खाने के बाद डायरेक्ट चंद्रयान पहुंच गया? मैं कुछ सोचा नहीं था ऐसा लड़का आ जाएगा ऊपर तक करके, इतना टैलेंट था कि अच्छा पढ़ता है। बारहवीं बात तो मेरा दिमागी काम नहीं किया कि आगे कैसा पढ़ाऊंगा करके। तो घर की परिस्थिति देख के उसको मालूम भी पड़ा है, फिर भी दुकान में मेरे को बहुत मदद करता है। आप दुकान लगाते हैं? नहीं, अभी 2 महीना हो गया है। नहीं लगा, मना कर दूंगी, आपको चिंता नहीं है। हमारा हम लोग उसे पकड़ो, नहीं इडली में कुछ जरूर बात है। देखिए, भिलाई क्यों प्रसिद्ध है ये आप सभी को मालूम है, मगर भिलाई का एक छोटा सा कस्बा चरोदा ये भी सुर्खियों में है और ये प्रसिद्ध भी हो चुका है। ये किसके पीछे क्या कहानी है ये हम आपको दिखाने आए हैं। एक लड़का है जो इसी कस्बे से निकला है और IIT पहुंचता है। IIT के बाद उसका चयन इसरो में हो जाता है। इसरो के बाद इसरो के सबसे बड़े प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 जो आज के दिन ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, उस मिशन में वो शामिल होता है। इस कस्बे से निकला एक आम लड़का भिलाई शहर से चरोदा के कस्बे से निकलकर इसरो के इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ये काफ़ी अद्भुत बात है और भिलाई वासियों के लिए काफ़ी गर्व वाली बात है। इसी खबर को हम समझने आए इनकी फैमिली से बात करने आए कि इनको कैसा लग रहा है। इससे पहले एक बात सुर्खियों में थी कि चंद्रयान 3 में जो स्टील का उपयोग है वो भिलाई स्टील प्लांट से लिया गया है, तो ये बात भी काफ़ी गर्व वाली थी। मगर इस कस्बे का वो लड़का, इसका दिमाग भी चंद्रयान 3 में लगाया गया, तो ये काफ़ी खुशी वाली बात है। मैं इसी वक्त उसी कस्बे में खड़ा हूँ, एक बार उस कस्बे को दिखाए, वो कस्बा कितना छोटा है। यहाँ पर आसपास इस तरह के छोटे छोटे घर हैं और लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। आप जो नीले कलर का घर देख रहे हैं ये वही घर है जहाँ से वो लड़का निकला है। यहाँ पर इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली में इनके पापा है, उनकी मम्मी है और इनकी एक बहन है। इनकी जो मम्मी है ये यहाँ पर इडली बेचते हैं और इनके जो पापा है वो एक बैंक में गार्ड थे। इस कहानी को जानने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए आइए उनके घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, मैं अभी इस घर में आ चुका हूँ और अंदर ही उनका जो पूरा परिवार है वो बैठा हुआ है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी खुशी समझेंगे। चंद्रयान 3 के मिशन में आपका बेटा शामिल है, ये बात सुनने के बाद आपको कितनी खुशी हुई, कुछ बताइए। बहुत खुशी है सर, मैं कभी सोचा नहीं था कि लड़का इतना ऊपर जाएगा करके। भगवान की कृपा है और रायपुर वाले का कारस्तानी है, उन लोगों की मदद से लड़का इतना ऊपर गया है। उनका इतना इतना सफल हुए वो, इसके पीछे आपकी भी मेहनत है? मेरा मेहनत बहुत कम है, बेचारा खुद अपना मेहनत से पढ़ाई किया है, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। बाकी बच्चे लोग पढ़ो बोलते थे, मैं तो एग्ज़ाम टाइम में उसको डांट के सुलाता था, उतना ऐसा पढ़ाई करता था वो। कौन से स्कूल से पढ़ के निकले हैं? अपना सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, वहीं से निकले हैं? निकले तो उस स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी उनको सपोर्ट करते हैं? हाँ, तारीफ करते थे। वो जैसा 8वीं पास होकर 9वीं में आया है तो गरीबी रेखा कार्ड से वहाँ अप्लाई किया, तो उसको 9वीं क्लास से फीस माफ़ हो गया था उसका परसेंट के हिसाब से। वहाँ एक सर था, वो बोले थे आप इतना परसेंट ला रहे हो, गरीबी रेखा कार्ड लगे जमा करो, तो 9वीं क्लास से पूरा 12वीं तक पूरा फीस माफ़ हो गया था। प्रिंसिपल भी बहुत मानता था उसको। अमूमन ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चे के जन्म के बाद ये सपना देखते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, आपने क्या सोचा था? मैं कुछ सोचा नहीं था ऐसा लड़का आ जाएगा ऊपर तक करके, इतना टैलेंट था कि अच्छा पढ़ता है। 12वीं बात तो मेरा दिमागी काम नहीं किया कि आगे कैसा पढ़ाऊंगा करके। उसका दोस्त लोग अगर पेपर टीवी में डाला तो रायपुर वाला, रायगढ़ वाला आके उसको मदद किया उसको। उनका कोई ऐसा सपना था शुरू से ही या फिर अचानक से हुआ सब कुछ? अचानक से हुआ सर, सब उनके लिए भी है। हाँ, अचानक ही समझ लो। यहाँ पर उनकी माता जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है इस इतनी बड़ी खबर के बाद, आप बताइए। बहुत खुशी लग रहा है, बहुत बहुत खुशी लग रहा मेरे को, यही तक सब जनाने से, और मेरे को बहुत खुशी लगता दिल में है। अच्छा, जब ये खबर आपको कब पता चला कि जब वो इसरो के टीम में शामिल हो गए, ये खबर कब तक आपको मालूम? नहीं, जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था ना, तो 4 साल का लास्ट था, 3-4 महीना बचा था,
तभी कैंपस आते ना बड़ा वाला कॉलेज वाले, उसी में सेलेक्ट हो गया, उसी में सेलेक्ट हो गया। बचा ना केमिस्ट्री बचने के टाइम में कैंपस आया है, कैंपस आता वो पहला बार बोलता है वो कॉलेज का कैंपस इसरो वाला है, और फिर अभी तक नहीं आया बोलते वहाँ से, एक ही बार बस आया हम लोग, लड़का नसीब से आया है उसमें सेलेक्ट, वो भी नहीं सोचा है सेलेक्ट हो गया करके, वो तो सोया बोलता है कोई दोस्त लोग का आप इसरो में तो सेलेक्ट हो गया बोलने से ना, वो कॉलेज में दोस्त लोगों का ना बारह तो आपका इसी नसीब में हो, 15 जन बैठने से ना इसको और एक लड़की को हुआ था। वो भी तो एक लड़की बेंगलुरु में मिला, लड़का को इसरो में मिला। अच्छा आप जो हैं कि काफ़ी समय से इडली नाश्ता का जो दुकान लगाते थे, इतनी मेहनत के बाद आपका बेटा इतने बड़े जगह पहुँचता है, तो आप भी कभी सोचे थे कि ये सब ऐसी स्थिति देखने मिलेगी, इतना बड़ा उपहार आपको मिलेगा? वो उसको पढ़ाई देके मैं सोची थी नौकरी मिलेगा करके, कर इतना ज़्यादा होगा करके मैं कभी भी नहीं सोचा। वो क्या मतलब बोलते थे आपको, तो बताते होंगे बैठ के कि माँ हम ये बनेंगे ये बनेंगे? मैं इंजीनियरिंग बनाऊँ करके उसको दिल में है, और मेरे को 10th क्लास में 10% में 10% आया है, वो 12वीं मैंने 94% सिक्स आया है, फिर भी वो बोला है मेरा 12वीं होने के बाद इंजीनियरिंग का लोन निकाल के मैं पढ़ाई करूँगा करके ना, एक बार बैंक जाके भी बात करवाई है, बैंक मैनेजर के बाद अब मैं वो परसेंट आने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो घर की परिस्थिति को देखते हुए उससे भी मालूम पड़ा कि उसका क्या दायित्व बनता है? नहीं, तो घर की परिस्थिति देख के उसको मालूम भी पड़ा है, फिर भी दुकान में मेरे को बहुत मदद करते हैं वो ना, सीट मिलने से भी ना IIT पढ़ने के टाइम में भी आके दुकान में काम करते थे मेरे को, छुट्टी के टाइम में 10 दिन 15 दिन छुट्टी के आता था ना, उसी के टाइम में भी दुकान के पास करता था, मैं डांट रहा था नहीं तो ऐसी तो नहीं अम्मा क्या हुआ, उसको फीलिंग नहीं है बिल्कुल। अच्छा। मैं इतना पढ़ाई किए हूँ, मेरे गवंडी दिखा दूँ, बिल्कुल फीलिंग नहीं, अभी भी बिल्कुल फीलिंग। वो तो आपके दिए संस्कार का परिणाम है ना वो तो? हाँ, संस्कार का परिणाम है वो, क्या ना पहले हम लोग का इसलिए रास्ता नहीं दिखाया है, उन्हीं लोग का इसलिए रास्ता दिखाया है, और रायपुर वाला जिंदर वाला हरिना सर, वो संतरा सर वाला ना, उन लोग का कभी भी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, कभी भी आने से ना कुछ कष्ट रहने से दुख रहने से उसे बताता है, कुछ कबूर रहने से ना पहले उन्हीं लोगों को फ़ोन करके बताने के बाद हम लोग को बताता है, वो भी मेरे को खुशी है। क्या क्या मोहल्ले में आसपास तो काफ़ी चर्चा होगा, मोहल्ले वाले को क्या कहना है कि उनके कस्बे का एक लड़का इसरो के इतने बड़ी संस्था में काम कर रहा है? वो लोग बस्ती खुशी है, अभी मोहल्ला वाला भी तो अच्छे है। अभी आप दुकान लगाते हैं? नहीं, अभी 2 महीना हो गया है, नहीं लगा, मना कर दूंगी, आपको चिंता नहीं है। हम लोग उसी के पास गया ना, जाने के बाद आने के बाद नहीं तो मत करना है, अभी थोड़ा कमजोर भी है, मत कर, इतना टाइम तक मेहनत किया है, अभी पैसा के लिए कुछ नहीं है ना। कितने साल से आप काम कर रहे थे? मैं 20 साल है, लड़की का 2 साल से मैं इडली दुकान में काम करता हूँ। कभी अब मन करता है कि ये जगह छोड़कर अब उनके साथ ही जाके शिफ्ट हो जाए? मन नहीं कर रही है अभी भी, वो भी है ना, यही छोड़ के मेरे पास उसके पास रहने के लिए बासा दिक्कत है, एक तो यही मत रहना है, थोड़े से उस तरफ चले जाओ किराए में अच्छे से घर उर बनाने तक, बोलने से ना क्या इतना बारी यही से बहुत दिन से तो आदत, शुरू से आदत हो गई है, ये मुल्ला छोड़ने के लिए हम लोग की इच्छा नहीं लगा, मैंने से कब से हम लोग। कौन से शहर में है अभी वो? तिरुवनंतपुरम, केरल। अच्छा, वहीं पर ही। अभी तक कभी गए हो आप उनसे मिलने? हम लोग गया है, ये ज्वाइनिंग टाइम में, ड्यूटी की ज्वाइनिंग टाइम में ये गया है, हम लोग 2 महीने पहले मैं और बहन गई थी नौकरी होने। ऐसे तो आपके इडली में ऐसा क्या खास था जो खाने के बाद डायरेक्ट चंद्रयान पहुँच गया? ये सब किस्मत की खेल है, उनका मेहरबानी। नहीं, इडली में कुछ जरूर बात है, कस्बे के लोगों को भी खिलाना पड़ेगा। अभी भी वहाँ दुकान के पास सब ड्राइवर लोग का बात आए, वो मैडम ऐसी है वैसी, बहुत खुशी बाहर वाले, बहुत खुशी लगा। हाँ। लड़के के बारे में ना, और कोई को देखने से ये करने से ना, वो दुकान पास आकर वो अच्छे से जैसे मेरे साथ बात कर। चुप। तो ये भाई साहब का क्या नाम है? अच्छा, अच्छा अच्छा, इनके आने के बाद उनका जॉब लगा है? अरे बढ़िया, बता रहा हूँ सर, वो सब लड़का जिंदगी हर किसी को मिले, बहुत सीधा है, बहुत उसमें फूर्ती है, जितना भी कष्ट आता ना बेचारा सह लेता है, उसका साथ जो लड़के भर्ती हुए थे इसरो छोड़ के चल दिए। अच्छा, नौकरी जरूरत नहीं है करके, पैसा वाले होंगे। हमारे साथ अभी उनकी बहन भी साथ में है, रक्षाबंधन पास में है, देखते हैं कि अभी उनको ये तोहफा मिला इतना बड़ा।
कोई भाई अपनी बहन को चंद्रयान तोहफे में देता नहीं है, तो उनसे बात करते हैं इनको कैसा लग रहा है, बताइए आप। इतना बड़ा तोहफा मिला है राखी में आपको, बहुत खुशी है। तो इस बार राखी में आ रही कि नहीं आपसे मिलने? अभी तो गए ना, आना नहीं हो पाएगा, भेज दी उनको राखी। अच्छा, राखी भी भेज दी और वो अपना गिफ्ट भी भेज दी। शाम को 6:04 में मिल जाएगा आपको, ठीक है, लाइव देखेंगे मतलब। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा भी पोस्ट डिग्री हो गया, अभी PGDCA कर रही हूँ। तो क्या आप क्या बनने का प्लान कर रखे हैं? मैं बैंकिंग का सोच रही थी, बट अभी फिर देखूँगी PGDCA करने के बाद, जॉब करने का इरादा है। अच्छा, भाई से कोई प्रेरणा मिलती है कुछ? बहुत ज़्यादा। भाई क्या समझाइश देते रहते हैं आप? कि वो कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, जॉब करना, उसी के बाद ही और कुछ, बस बोलते हैं सबसे पहले अपने पैरों में खड़े हो जा। हाँ, तो ये इनकी फैमिली थी जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है, इनके साथ जो बातचीत हुई आपको सुनकर काफ़ी मज़ा भी आया होगा। और ये खुशी की बात है कि भिलाई के साथ साथ, भिलाई का ये जो कस्बा है छोटा सा, ये भी अब प्रसिद्ध हो चुका है। हम एक कामना करते हैं कि चंद्रयान आज शाम 6:04 में अच्छी तरह से लैंड हो जाए और भारतवासियों के बीच में जो इंतज़ार है वो एक खुशी की तरह से निकले। मगर और एक बात ये भी कहूँ कि इस कस्बे से जिस तरह से के भरत कुमार निकले हैं, इसी प्रकार से भिलाई के हर कस्बे से ऐसे लड़के निकले कि भिलाई का नाम रोशन करें और पूरे भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद।